आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोनेरू हम्पी की। कोनेरू हम्पी की बात करें तो वैसे तो आजकल हम थोड़े स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब इंस्पायर हों और भारत में इतने सारे खेल, इनफैक्ट पूरी दुनिया में इतने सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्रिकेट या हॉकी ही जानते हैं। तो इन सारे खेल की तरफ आप आकर्षित हों, आप ये सब गेम्स देखें, इंजॉय कर सकें, और भारत का नाम इन सारे प्लेयर्स ने ऊंचा किया है, उन सबको भी हमारा एक ट्रिब्यूट है। तो आज हम द ग्रेट चेस प्लेयर, हाल ही में इनको तीसरी रैंक मिली वर्ल्ड रैंकिंग में, वैसे कई बार नंबर वन रैंक ही हासिल कर चुके हैं अगर हम वुमेन्स की बात करें, कोनेरू हम्पी की भी बात करेंगे और चेस की भी बात करेंगे। पता है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, बताते हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसको रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर अच्छा की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट आज ही ज्वाइन करें दोस्तों, वहां पे आपको डॉक्टर गौरव गर्ग सर के डेली करेंट अफेयर्स, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, बेस्ट 200 करेंट अफेयर्स, प्रशांत सर के सबसे इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स एंड आईआर इश्यूज, काफी वीडियोस तो अपलोड भी हो चुके हैं, मिस मत करिए, और डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर के मंथली 5 प्रीमियम वीडियोस। तो दोस्तों ओनली फॉर ₹159 में आपको ये ज्वाइन करना है। आप जैसे ही चैनल खोलेंगे सब्सक्राइब के बगल में, और अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो सब्सक्राइबर्स के ठीक नीचे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे मास्टर वीजा कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, गूगल पे और पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, आप गौरव सर की प्रोफाइल एक बार विजिट करिए, वहां पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, बाकी आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे भी वो उन हेल्पलाइन नंबर या कस्टमर केयर नंबर पे विजिट कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको इन कोर्सेस, ये जो प्रीमियम कंटेंट है इसका एक्सेस मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन है, बिल्कुल परहेज मत करिए। अगर आप मेरी बायोग्राफीज देखना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप biographyiq.com जरूर विजिट करिए दोस्तों, मैंने 500 से ज्यादा जो लेक्चर कवर किए हैं वो यहां आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगी। तो अगर कोनेरू हम्पी की बात करें, वैसे आपको बता दूं कि कोनेरू जो है ये लास्ट नेम है, समझ गए, साउथ में क्या होता है कि जो सरनेम होता है वो पहले लगाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए। तो कोनेरू हम्पी की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कहां हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, 31 मार्च 1987, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में ये चेस जो है वो खेलने लगी है। विजयवाड़ा, खूबसूरत शहर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का, वहां पे इनका 1987 में जन्म हुआ था। हम्पी का वैसे मतलब ही होता है चैंपियन, ठीक है ना, तो इसीलिए इनका नाम हम्पी रख दिया, हालांकि बाद में HUMPY, आई को हटा के वाई कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि भैया ऐसा है ना कि ये रशियन नाम लग रहा था, तो इनके पिताजी ने इसलिए इनका जो नाम है वो चेंज कर दिया। जब ये बहुत छोटी थी तब इनको चेस के बारे में पता चला, ठीक है, सिर्फ 5 साल की जब उम्र थी इनकी, और उसके बाद जब ये चेस खेलने लगी, चेस देखने लगी, तो पॉलगार सिस्टर्स सुजैन जुडिथ और सोफी जुडिथ, उनके बारे में बताया इनके पिताजी ने, और कोनेरू हम्पी की ये इंस्पिरेशन भी रही है सुजैन और सोफी, इनके खेल को हमेशा एडमायर किया, और 8 साल की उम्र से दोस्तों ये चेस खेलने लगी, और एक बार जब ये चेस खेलने लगी तो इतनी ज्यादा चैंपियनशिप जीती, इतनी ज्यादा, इनको क्वीन ऑफ 64 स्क्वायर्स भी बोला जाता है, कि कुछ कहने को नहीं, और अभी भी ये चैंपियनशिप जीतती जा रही है, ठीक है। वैसे चेस जो है वो ओलंपिक्स में शामिल नहीं है, लेकिन 2006-2010 के एशियन गेम्स में इसको शामिल किया गया था, हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर है फिडे, ठीक है, फिडे जो कि चेस को देखती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक गेम की ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर एक खेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, सॉकर की, तो फीफा है, अगर हम बात करते हैं भारत में क्रिकेट की तो BCCI है, अगर इंटरनेशनली बात करें तो ICC है, ऐसे ही चेस की अगर हम बात करें तो फिडे सब कुछ देखती है, इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन, हालांकि फिडे का जो फुल फॉर्म है वो बड़ा ही अजीब सा है, ठीक है, आप जरूर देखिएगा, लेकिन हम उसको इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, तो ये सब कुछ देखती है। ओलंपिक्स में अभी तक चेस को शामिल नहीं किया गया है, अगर ओलंपिक में चेस को शामिल कर लिया जाता तो डेफिनेटली हमारे गोल्ड मेडल पक्के थे, क्योंकि भैया विश्वनाथन आनंद, उनकी भी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा, जब भी हम चेस की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही नाम आता है, अगर भारत की बात करें विश्वनाथन आनंद। और वैसे तो चेस एक बहुत ही जबरदस्त गेम है,
चेस एक ऐसा गेम है जो आपके किस्मत पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करते हैं, लेकिन चेस पूरा दिमाग से खेला जाता है। इसलिए चेस एक बड़ा ही पॉलिटिकल गेम भी है, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं, क्या आप तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। तो ये माइंड गेम है, स्ट्रैटेजिक गेम है चेस की अगर बात करें। और आपको पता है इसका जन्म कहां हुआ था, चेस कहां ओरिजिनेट हुआ था, भारत में। बिल्कुल सही, 7th सेंचुरी AD भारत में इसको चतुरांग बोला जाता था, ठीक है, और इससे रिलेटेड भारत में काफी खेल खेले जाते थे, और वहां से ये स्प्रेड हुआ। सबसे पहले ये जापान गया, कोरिया गया, वहां पे इसको जांगी बोला जाता था, फिर चाइना गया, वहां पे इनको जियांगो बोला जाता था, फिर जापान गया, तो ये साउथ एशियन कंट्रीज में चेस बड़ा पॉपुलर हो गया, और फिर यूरोप पहुंच गया। और जब एक बार यूरोप पहुंचा तो फिर बोलने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि वहां से 1924 में फिडे बन गया, पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर्स है, और अभी 189 नेशंस जो है वो चेस खेलते हैं, रजिस्टर्ड है इसमें। फिडे की बात करें दोस्तों, तो ये इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कुछ देखती है, ये मेंस के चैंपियनशिप भी करवाती है, वुमेन्स के चैंपियनशिप भी करवाती है, जूनियर चैंपियनशिप, सीनियर चैंपियनशिप, और ब्लिट्स रैपिड चेस। ब्लिट्स रैपिड चेस क्या होता है, ये अक्सर आपने नाम सुना होगा, इसको फास्ट चेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम में आपको अपने मूव्स चलने ही चलने हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। और बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं दोस्तों, विश्वनाथन आनंद तो कमाल ही खेलते हैं, मैंने उनके कुछ गेम्स देखे हैं। हालांकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जब भी नींद ना आ रही हो तो चेस का एक गेम ऑन कर लो और उसको देखते देखते आराम से नींद आ जाएगी, ये भी सच है, क्योंकि चेस जो है, अब देखिए खेलने में बड़ा मजा आता है, ये दो लोगों का गेम है, ठीक है, खेलने में तो बड़ा मजा आता है लेकिन देखने में इतना मजा नहीं आता है, ठीक है। चेस की बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये इस बोर्ड पे खेला जाता है। चलिए हम बताते हैं क्या चेस कैसे खेलते हैं, जिनको पता है वो इसको स्किप कर दे, जिनको नहीं पता है वो साथ में रहे, स्पोर्ट्स हम बता रहे हैं तो स्पोर्ट्स बताना, उसको डिफाइन करना जरूरी है दोस्तों। ये 8x8 का अरेंजमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहां से 8, टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब स्क्वायर्स हैं, 64 स्क्वायर्स ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ये ब्लैक होता है, ज्यादातर लोग ब्लैक ही लेते हैं, और ये व्हाइट होता है, ठीक है, तो ये है, समझ गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या क्या होता है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हिंदी में प्यादे, ठीक है, जिसको पॉन्स कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का ही होता है, लेकिन सबसे कमजोर इनको, अगर हम बात करें पावर के टर्म्स में, तो इनको माना जाता है कमजोर, क्योंकि ये एक ही कदम चल सकते हैं और ज्यादा मार भी नहीं सकते, अक्सर लोग प्यादों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही प्यादे होते हैं, ये आपका सेटअप बनाते हैं, ठीक है। सेटअप की बात करें दोस्तों, तो वैसे तो चेस में 3 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले तो स्टार्टिंग बिगिनिंग, इसमें आप शुरू के 5 मिनट चाल चलेंगे, समझेंगे, फिर मिडिल, जब आपका पूरा सेटअप, एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपका पूरा सेटअप जो है वो तैयार हो जाता है, बिगिनिंग में आप पूरा सेटअप तैयार करते हैं, मिडिल में पूरा सेटअप तैयार हो जाता है, कुछ आपके मरेंगे कुछ उसके मरेंगे, और फाइनल एंड में चेक एंड मेट, ठीक है। तो ये है प्यादे, इनको हम कहते हैं पॉन्स, ये 8 होते हैं। फिर दो रूक्स होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं हाथी, इसको कहते हैं इंग्लिश में नाइट और हिंदी में घोड़ा, ये होता है हमारा ऊंट या बिशप, ये सबसे ताकतवर वजीर या क्वीन, और ये हमारा राजा, राजा गया तो गेम खत्म, राजा को बचाना होता है, और राजा की भी ताकत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, मेन जो ताकत होती है वो वजीर, बिशप मतलब ऊंट, घोड़ा और हाथी के पास ही होती है, ठीक है। ये जो प्यादा है ये 1 कदम चल सकता है, पहली चांस में ये 2 कदम चलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही 1 कदम चलता है, लेकिन ये मारता डायगनली है, ठीक है, 1 कदम, जैसे एक यहां पे मान लीजिए आपका यहां पे राजा है और यहां पे प्यादा है, तो ये डायगनली मारेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हाथी की बात करें तो ये सिर्फ स्ट्रेट चलता है, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ठीक है, इधर नहीं जा सकता, आई एम सॉरी, फिर से 2.5 कदम नहीं चल सकता हाथी जो है आपका, वो सिर्फ स्ट्रेट जाएगा। घोड़ा सबसे स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है, घोड़े से आप फंसा सकते हैं, पूरा गेम चेंज हो जाता है घोड़े से, जो लोग घोड़े का बहुत अच्छा यूज करते हैं वो चेस में भैया चैंपियन हो जाते हैं, क्योंकि घोड़ा एक ऐसी चीज है वो भले ही बहुत दूर नहीं मारेगा लेकिन वो फंसा देता है, ठीक है, वो ऐसी दुविधा पैदा कर देता है कि या तो आप इसको बचाइए या उसको बचाइए। तो घोड़ा 2.5 कदम चलता है, मतलब एक यहां पर अगर आपका घोड़ा है तो 1 2 2.5, वरना 1 2 2.5,
ठीक है, एक दो ढाई, यानी कि आप तीन कदम कह सकते हैं इस तरीके से भी, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो घोड़ा दोनों साइड चलता है ढाई कदम। फिर हम देखते हैं ये है हमारा ऊंट, ये व्हाइट वाला ऊंट है जो व्हाइट खान में व्हाइट स्क्वायर में है, तो ये सिर्फ ये इस तरीके से डायगनली चलेगा, व्हाइट पे चलेगा। और ये ब्लैक, ये ब्लैक सिर्फ और सिर्फ डायगनली ब्लैक पे चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वजीर, हाथी को छोड़ दीजिए बाकी, सॉरी घोड़े को छोड़ दीजिए बाकी, हाथी और ऊंट की जो क्वालिटीज है वो वजीर में होती है, यानी कि ये सीधे भी चलेगा और डायगनली भी चलेगा। सबसे खतरनाक होता है वजीर, अक्सर लोग वजीर को ही मारने को सोचते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि अगर वजीर यानी कि क्वीन खत्म तो गेम ही खत्म, ठीक है 50% गेम आप वहीं हार गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, अगर आप बहुत ही ध्यान से खेलें तो वजीर के बिना भी आप गेम को जीत सकते हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर आपका प्यादा दूसरे के खाने में, जैसे मान लीजिए ये वाइट का है और ये यहां पे पहुंच गया, लास्ट में कोई भी प्यादा पहुंच जाता है तो आपका जिस खाने में पहुंचा है, जैसे मान लीजिए ये प्यादा यहां पे पहुंचा, तो आपका हाथी जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमाल की बात होती है, तो प्यादे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने मूवी में भी सुना होगा शतरंज के खिलाड़ी, आपने मूवी देखी कि नहीं, बहुत ही स्ट्रेटजिक गेम है, बहुत ही बढ़िया गेम है, डेफिनेटली बहुत लोगों को चेस खेलना आता है, इंडोर गेम है और बड़ी मजा आती है, काफी टाइम लग जाता है, कभी कभी तो एक घंटा हो जाता है, चेस खत्म नहीं होता है, लेकिन मजा बहुत आती है, बहुत ही बढ़िया गेम है, ठीक है ना, दिमाग का गजब यूज होता है इसमें। तो ये रहा चेस के बेसिक्स, समझ गया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। एशियन गेम्स, जैसा कि मैंने बताया कि 2006-2010 के एशियन गेम्स में इसको शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक इसको ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और हम तो चाहेंगे ही, हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर है फिडे, लेकिन अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है। एक बार शामिल हो गया तो भैया भारत का तो मेडल पक्का है। वापस अब हम हम्पी पे आते हैं। जब ये 8 साल की थी तो इनके पिताजी ने इनका टैलेंट पहचान लिया और इन्होंने अपने, इनके पिताजी ने अपनी जॉब छोड़ दी, देखिए बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी, और फिर यही बोला कि अब जो है मैं अपनी बेटी को सिर्फ चेस खिलाऊंगा, इसको कोचिंग दूंगा, क्योंकि इनके पिताजी भी चेस खेलते थे। उसके बाद कोनेरू हम्पी को कोचिंग दी। अब जब यहां पे चेस खेलना अच्छे से सिर्फ 8 साल की थी ये सिखा दिया, कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जैसा कि क्रिकेट में होता है अंडर 16, अंडर 15, अंडर 14, ऐसे चेस में होता है अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 20, सारी चैंपियनशिप इन्होंने जीती। पहले के जो भारत की चेस एसोसिएशन है, ठीक है, वहां पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं चैंपियनशिप जीती, ठीक है। 14 साल की थी, 14 साल की तीसरी रैंक हासिल कर ली इन्होंने वुमेन्स में 2001 आते आते। 2539 एलो पॉइंट्स, ये एलो पॉइंट्स क्या होता है दोस्तों, बताना चाहता हूं, ये जो एलो पॉइंट है ये स्किल को आपकी डिटरमाइन करता है कि आपकी कितनी स्किल है, ठीक है ना। जीरो सम गेम जो होता है उसमें आपकी स्किल्स को डिटरमाइन करता है, आप कितने ज्यादा काबिल प्लेयर है। बेसिकली ज्यादातर ये चेस में ही यूज होता है, लेकिन सारे खेल में ये यूज किया जाता है, सिर्फ चेस में नहीं, फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी, हर जगह एलो रेटिंग सिस्टम हम यूज कर सकते हैं कि किसी खेल में किसी खिलाड़ी की स्किल कितनी है, लेकिन ज्यादा ये चेस में ही यूज होता है। फिर जो इनकी जर्नी है दोस्तों, आप देख लीजिए, वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जो हुई थी अंडर 10 कैटेगरी में, क्योंकि 10 साल की थी तब, ये 3 गोल्ड मेडल ले आई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी, क्योंकि प्रमोट हुई है, अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी में जब चैंपियनशिप हुआ फिर एक गोल्ड ले आई है। एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप हुआ ये, वहां पर इन्होंने जीता, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये कमाल का, 2000 में दोस्तों, जब 2013 साल की जब ये थी, तो दोबारा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 12 कैटेगरी में गोल्ड लेके आई। फिर इन्होंने 2001 में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया उनके लिए, जब इन्होंने वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप, जो कि फिडे ही कराता है, जीत ली। जहां पे वर्ल्ड लगा है एशियन, वो समझ लीजिए फिडे ही करा रहा है। तो भैया यहां पे 2001 में वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप जब जीती, तब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू ऑब्टेन एन इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा, ठीक है। 4 साल तक ये जो रिकॉर्ड था वो इनके पास रहा। वैसे आपने अक्सर सोचा होगा ये ग्रैंड मास्टर क्यों, हमने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को, ये क्या है दोस्तों, ये टाइटल दिया जाता है, ग्रैंड मास्टर टाइटल चेस प्लेयर्स को अवार्ड किया जाता है फिडे की तरफ से, ठीक है, जो एक्सेप्शनली एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये हाइएस्ट टाइटल है, ये किसी भी चेस प्लेयर्स के लिए हाइएस्ट टाइटल है, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। चेस में सबसे हाइएस्ट टाइटल जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना राजा महाराजा, वैसे ही चेस में ग्रैंड मास्टर टाइटल ये फिडे होती है। हालांकि इसके लोअर टाइटल्स भी होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मास्टर होता है, फिडे मास्टर होता है, ये सब फिडे देती है,
ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो ग्रैंड मास्टर्स रहे हैं वो मेन रहे हैं, आदमियों को ये ज्यादा टाइटल मिला है क्योंकि वुमेन्स ने ज्यादा चेस में इंटरेस्ट लिया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोनेरू हम्पी यंगेस्ट बनी ग्रैंड मास्टर टाइटल जिन्होंने अटेन किया, और 4 साल तक ये ग्रैंड मास्टर रही, इतनी सारी इन्होंने चैंपियनशिप जीती हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि पहला ग्रैंड मास्टर कौन था। ठीक है, अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं, पहला ग्रैंड मास्टर कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया में चैंपियनशिप जीती, ब्रिटेन वुमेन्स चैंपियनशिप जीती, फिर एशियन वुमेन्स इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीती। ठीक है, उसके बाद लगातार ये नंबर 1 रैंक पे भी बनी रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। 2009-2011 में हम देखते हैं कि इन्होंने वुमेन्स ग्रैंड प्री में पार्ट भी लिया, सेकंड क्वालिफायर एज अ चैलेंजर थी ये। ठीक है, हालांकि वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप यहां पे ये चूक गई थी। ठीक है, फिर इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता जब वुमेन टीम चैंपियनशिप हुई 2015 चाइना में। ठीक है, यहां पे ये थोड़ा सा चूक गई थी, इनकी रैंक 1 नहीं आ पाई। ठीक है, हालांकि बहुत क्लोज आई थी ये, और अभी भी ये चैंपियनशिप जीत रही है। ठीक है, इनका जो गोल्डन करियर है वो जारी है। हाल ही में इनको तीसरी रैंक मिली अभी 2 हफ्ते पहले ही। और अगर ऑनर्स की बात करें दोस्तों तो इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। 2003 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और 2007 में भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी इनको दिया गया है। इनको क्वीन ऑफ चेस, क्वीन ऑफ 64 स्क्वायर्स भी बोला जाता है। क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज है, ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बायोग्राफी जारी रहेंगी और हम खेलों के बारे में भी समझते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं